प्रो कबड्डी सीजन 9 में कुल यहाँ पे 114 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पे मैं आपको टॉप 10 रेडर्स एंड टॉप 10 डिफेंडर्स बताने वाला हूँ। कौन से रेडर के पास सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स एंड कौन से डिफेंडर के पास सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स है, इस वीडियो में आपको सभी लिस्ट डिटेल में जानने को मिल जाएगा। एंड इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पीकेएल के मैचेस फ्री में लाइव देखने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रो कबड्डी के मैचेस को फ्री में लाइव देख सकते हो, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप 10 रेडर्स, तो यहाँ पे टॉप 10 रेडर्स की लिस्ट पे नंबर 10 पे आ चुके हैं रोहित गुलिया, जो यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे। 17 मैचेस में इन्होंने 138 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 6 सुपर 10 शामिल है। नंबर 9 पे मंजीत दहिया है, जो यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 141 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 6 सुपर 10 शामिल है। नंबर 8 पे सिद्धार्थ देसाई है, जो यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम की तरफ से खेल रहे। 16 मैचेस में इन्होंने 142 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 6 सुपर 10 शामिल है। और नंबर 7 पे सचिन तंवर है, जो यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे। 18 मैचेस में इन्होंने 162 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 7 सुपर 10 शामिल है। नंबर 6 पे प्रदीप नरवाल है, जो यहाँ पे यूपी योद्धास की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 198 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 9 सुपर 10 शामिल है। नंबर 5 पे नरेंद्र कंडोला है, जो यहाँ पे तमिल थलावास की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 200 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 11 सुपर 10 शामिल है। नंबर 4 पे नवीन कुमार है, जो यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 209 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 14 सुपर 10 शामिल है। नंबर 3 पे मनिंदर सिंह है, जो यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 213 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 13 सुपर 10 शामिल है। बात की जाए नंबर 2 की, तो यहाँ पे नंबर 2 पे भरत हुड्डा है, जो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 229 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 14 सुपर 10 शामिल है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, तो यहाँ पे टोटल 114 मैचेस कंप्लीट होने के बाद सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स यहाँ पे अर्जुन देसवाल के पास है। अर्जुन देसवाल जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 242 रेड पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 15 सुपर 10 शामिल है। अब ये तो रहा टॉप 10 रेडर्स का लिस्ट, अब यहाँ पे बढ़ते हैं टॉप 10 डिफेंडर्स की लिस्ट की तरफ। तो यहाँ पे टॉप 10 डिफेंडर्स की लिस्ट में नंबर 10 पे सुमित है, जो यहाँ पे यूपी ओदास की टीम की तरफ से खेल रहे। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 19 मैचेस में इन्होंने 49 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 2 हाईफाई शामिल है। नंबर 9 पे विशाल लाथेर है, जो यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम की तरफ से खेल रहे। लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। 18 मैचेस में इन्होंने 49 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 2 हाईफाई शामिल है। नंबर 8 पे सुनील कुमार है, जो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से खेल रहे। 19 मैचेस में इन्होंने 50 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 2 हाईफाई शामिल है। नंबर 7 पे गिरीश मारुति एरना के, जो यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से खेल रहे। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 17 मैचेस में इन्होंने 51 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 4 हाईफाई शामिल है। नंबर 6 पे जयदीप दहिया है, जो यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम की तरफ से खेल रहे। लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। 19 मैचेस में इन्होंने 53 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 4 हाईफाई शामिल है। नंबर 5 पे सागर राठी है, जो यहाँ पे तमिल थलावास की टीम की तरफ से खेल रहे। राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। 17 मैचेस में इन्होंने 53 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 5 हाईफाई शामिल है। नंबर 4 पे सौरभ नंदल है, जो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेल रहे। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 19 मैचेस में इन्होंने 55 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 2 हाईफाई शामिल है। बढ़ते नंबर 3 की तरफ, तो यहाँ पे नंबर 3 पे रिंकू है, जो यहाँ पे यूमुंबा की टीम की तरफ से खेल रहे। राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। 17 मैचेस में इन्होंने 55 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 3 हाईफाई शामिल है। नंबर 2 पे मोहम्मद रिजा चियान है, जो यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 17 मैचेस में इन्होंने 69 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 4 हाईफाई शामिल है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, तो यहाँ पे टोटल 114 मैचेस कंप्लीट होने के बाद सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स यहाँ पे अंकुश राठी के पास है। अंकुश राठी जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से खेल रहे। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 19 मैचेस में इन्होंने 71 टैकल पॉइंट स्कोर किया है, जिसमें 6 हाईफाई शामिल है। तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स यहाँ पे अर्जुन देसवाल के पास है एंड सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स यहाँ पे अंकुश राठी के पास, यानी कि जो ऑरेंज स्लीव एंड ग्रीन स्लीव है दोनों यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के पास है। तो बहुत ही अच्छा
जयपुर की टीम परफॉर्म कर रही है एंड आपका फेवरेट प्लेयर कौन से रैंक पे है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फिल्टर कबड्डी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। दोनों टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैक्सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी कि मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।